हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आई है मारुति की जेन। इसमें कस्टमर की शिकायत है कि भाई गाड़ी ऑयल उठा रही है, पर रीज़न ये है इसमें कि गाड़ी धुआं नहीं दे रही है। तो प्लग से कैसे पता करेगी गाड़ी साइलेंटली ऑयल खा रही है कि नहीं खा रही है, मैं बताता हूँ आपको। कंप्लीट प्लग खोल के इसके पहले प्लग लीडर रिमूव कर लेते हैं इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं साइलेंसर बिल्कुल इसका साफ है, ब्राउन है, धुआं नहीं दे रही है गाड़ी, फिर भी इसमें ऑयल कम पड़ रहा है। तो मैं एक बार प्लग खोल के आपको चेक करवाता हूँ। ये इसमें प्लग में 21 mm की गोटी लगती है। एक बार प्लग खोल के दिखाता हूँ मैं आपको चारों प्लग। फोर सिलेंडर गाड़ी है, ये पेट्रोल इंजन है। देख लीजिए, नीचे से कहीं से ऑयल लीकेजिंग भी नहीं है, फिर भी गाड़ी में ऑयल कम पड़ रहा है। जैसे कि मैंने इसके प्लग खोल दिए हैं, प्लग बाहर निकाल के बताता हूँ मैं आपको। इसके प्लग बाहर निकाल लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्लग इसके रिमूव कर लिए हैं। ये देखिए, प्लग बुरी तरह से ख़त्म है। तो इसका इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए इंजन ओवरऑल जेन्युइन तरीके से काम होना चाहिए। जैसे इसका ऑयल गेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, बिल्कुल लो पॉइंट पे है, नीचे वाले पॉइंट पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंजन का ओवरऑल काम जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। मैंने आपको साइलेंसर भी दिखा दिया, इसका साइलेंसर में भी धुआं नहीं आ रहा है और गाड़ी चलती है तब भी धुआं नहीं आता है। कोई नॉइस वगैरह कुछ नहीं है इसमें, फिर भी इसमें ऑयल गेज डाउन बता रहा है। ऐसे और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फोर सिलेंडर इंजन है ये, जेन के प्लग है। और मैं आपको सही से समझाने के लिए दूसरी अल्टो 800 की मेरे पास पड़ी थी, उसके प्लग खुलवाए हैं, उसको बताता हूँ मैं आपको। वो कंप्लीट है एकदम। देख लीजिए, ये गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे कि आप देख सकते, प्लग बिल्कुल ब्राउन है, नो किटा कुछ भी नहीं है इसमें। ये देख लीजिए आप।